स्टूडेंट्स, टुडे अगेन आई एम हियर विद द पेपर एक्सप्लेनेशन वीडियो. यस्टरडे यू ऑल गेव वन एग्जाम ऑन द टॉपिक एरर्स ऑफ नाउन, एंड आई सपोज इट वॉज अ इजी एग्जाम, बट स्टिल इफ यू हैव एनी ऑफ द डाउट, आई एम हियर विद द पेपर एक्सप्लेनेशन वीडियो सो दैट ईच एंड एवरी क्वेश्चन यू कैन अंडरस्टैंड एंड यू कैन अंडरस्टैंड द लॉजिक बिहाइंड द राइट आंसर. Right, so today I'll be explaining each and every question which were in the exam so that you can write the answer with the explanation ki yahan par sahi answer sahi kyun hai aur aapka answer wrong kyun tha. Okay, so let's begin the paper explanation of errors of noun, in which the first question was, see, first question: this company is one of the few companies manufacturing this product in the whole country. अब मैंने आपको बहुत बार एक रूल करवाया है, और अगर नहीं भी किया, इससे पहले याद नहीं भी रह रहा, तो अब याद रखना बच्चा. मैंने आपको प्रैक्टिस सेशन में भी करवाया था, लेकिन अगेन आई एम रिपीटिंग कि whenever one of the ऐसा कोई फ्रेज है तो इसके आगे हमेशा और हमेशा प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन ही आता है. याद रखेंगे आप इसको, प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन ही आता है. अगर आप इस फॉर्मूले को देखें और एक क्वेश्चन को देखें, सी, दिस कंपनी इज वन ऑफ द है, उसके बाद क्या चाहिए? प्लूरल नाउन. ये क्या है? फ्यू कंपनीज. होना क्या चाहिए था यहां पर? फ्यू कंपनीज. अब आपको करेक्ट करने के लिए तो वो बोल ही नहीं रहे, आपको ये बोल रहे हैं कि हमको बस ये बता दो कि गलत क्या है, करेक्ट हम कर लेंगे. तो यहाँ पे गलत पार्ट है बी. दिस शुड बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि वन ऑफ द फ्यू कंपनीज होना चाहिए, वन ऑफ द फ्यू कंपनी नहीं. तो याद रखेंगे कि whenever वन ऑफ द है, उसके आगे प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन ही आएगा. ये तो प्लूरल नाउन है, अगर प्रोनाउन होता तो देम होता. दिस कंपनी इज वन ऑफ देम, दैट मींस या तो प्लूरल नाउन आएगा या प्लूरल प्रोनाउन आएगा. क्लियर? समझ में आ गया ये क्वेश्चन? ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन. बेटा, आप अपने रजिस्टर में क्वेश्चन पेपर का एक्सप्लेनेशन भी लिखिए, बिकॉज दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन यू विल गेट इन द एग्जाम. तो आपको समझ में आना चाहिए कि सही आंसर सही क्यों है, किस रूल से है, मैंने कौन सा रूल अप्लाई किया और टीचर ने कौन सा रूल अप्लाई किया, कहाँ क्लैश हो रहा है, वो चीज समझ आनी चाहिए. राइट, नाउ चेक आउट द सेकंड क्वेश्चन. एंड द सेकंड क्वेश्चन इज, इन स्पाइट ऑफ 5 लेटर वी हैव सेंड, वी हैव रिसीव्ड नो आंसर फ्रॉम द अथॉरिटी. अब उन्होंने क्या भेजे हैं? 5. क्या भेजे हैं? 5 लेटर. लेटर यहां मतलब चिट्ठी, यहां पर चिट्ठी, यहां पर लेटर, अल्फाबेट वाला लेटर नहीं, यहां पर चिट्ठी. उन्होंने कितने लेटर भेजे? 5. 5 है तो इट शुड बी प्लूरल, 5 लेटर्स. क्लियर? जैसे आप आजकल व्हाट्सएप पे मैसेज भेजते हैं तो वन मैसेज तो सिंगुलर, और अगर एक से ज्यादा है तो क्या हो जाएगा? मैसेज. क्लियर? वैसे ही ईमेल, ईमेल इज इलेक्ट्रॉनिक लेटर. ओके, तो एक ईमेल सिंगुलर, बहुत सारे ईमेल तो ईमेल्स होंगे. वैसे यहां उन्होंने लेटर्स भेजे हैं, कितने? 5. और 5 चिट्ठियां भेजने के बाद या 5 लेटर्स भेजने के बाद भी अथॉरिटी ने उनको आंसर नहीं दिया, किसी भी लेटर का जवाब नहीं दिया. गॉट इट? तो यहां पर कहां एरर है? यहां पर एरर ए में है. आ रहा है समझ में? क्लियर है? ओके, नाउ चेक आउट द थर्ड. एंड द थर्ड इज, ही हर्ड द गार्ड ब्लोइंग विसल एंड न्यू इट वॉज टाइम फॉर हिम टू एंटर द ट्रेन. उसने सुना कि गार्ड सीटी बजा रहा है, सीटी बजा रहा है, और अब टाइम हो गया है ट्रेन में चढ़ने का. क्लियर? अब देखो यहां पर ये क्या है, क्या है ये? व्हाट डू यू मीन बाय विसल? विसल इज सीटी, विसल का मतलब सीटी. ब्लोइंग क्या है? ब्लोइंग है वर्ब, दैट इज V1 प्लस ING. क्लियर? सब्जेक्ट, वर्ब और ये ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट की जगह पर क्या आएगा? नाउन.
विसल नाउन फॉर्म है, ये नाउन है, क्लियर। विसल्ड क्या हो जाएगा, विसल्ड क्या हो जाएगा, ये है वी टू, यहां पर डी लगा है, ठीक है। मैंने आपको अपने बेसिक वाले वीडियो में बहुत क्लियर क्लियर बताया था कि नाउन में कभी भी वर्ब फॉर्म्स नहीं बनते हैं, प्ले प्लेड, डांस डांस्ड, ठीक है, रन रन, जब भी हम डी लगा रहे हैं रेगुलर वर्ब में तो वी टू फॉर्म बन रहा है, वर्ब का फॉर्म बन रहा है, पर नाउन में कभी भी डी नहीं लगेगा। तो यहाँ पर जब ये नाउन की जगह ले रहा है, सी वर्ब के बाद आ रहा है, तो वर्ब तो ब्लोइंग है, वी वन आई एन जी, वर्ब के बाद आ रहा है तो ये डी क्यों लगा है। ही हर्ड द गार्ड, उसने सुना कि गार्ड ने सीटी बजा रही है, गार्ड सीटी बजा रहा है, गार्ड ब्लोइंग द विसल, गार्ड सीटी बजा रहा है एंड न्यू, तब उसको पता चला कि अब ये टाइम है कि ट्रेन में चढ़ जाना चाहिए था। तो यहाँ पर एरर यहाँ है ए पार्ट में, इट शुड नॉट बी विसल्ड, इट शुड बी विसल, इट शुड बी विसल, क्लियर। ये क्वेश्चन क्लियर हुआ, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 4। मिस्टर राम इज वन ऑफ द बेस्ट टीचर, अब ये आप बताएंगे, मैंने अभी अभी कराया है यहाँ पे आपको, और भूलने की बात बिल्कुल नहीं है, मैंने पहले भी बताया है, वन ऑफ द वाले क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं एग्जाम में, तो याद रखना है जब भी वन ऑफ द यूज हो रहा है उसके बाद प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन यूज होता है। तो यहाँ पर मिस्टेक क्या है आप समझ ही गए होंगे, समझ गए, आंसर मिल गया, क्या गलती है, क्या होना चाहिए, मिस्टर राम इज वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स इन आवर क्लास, मिस्टर राम हमारे स्कूल के बहुत सारे अच्छे टीचर्स में से एक टीचर है, तो वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स, क्लियर। नाउ चेक आउट क्वेश्चन नंबर 5, जल्दी से, शी सो लेजी दैट शी टेक्स अ लार्ज नंबर ऑफ टाइम, वो इतनी आलसी है कि उसको बहुत टाइम लगता है To complete such a small piece of work, इतना छोटे से काम के लिए उसको बहुत ज्यादा टाइम लगता है। Now see this large number of time, large number countable के लिए use होता है, and time क्या है बच्चा, time uncountable। अब इसको कैसे uncountable, जब भी आप किसी से पूछते हो how much time is left, कितना टाइम बचा है, तो जब भी हम टाइम की बात कर रहे हैं हम मच यूज कर रहे हैं, मेनी नहीं, आवर्स काउंटेबल होते हैं, हाउ मेनी आवर्स आर लेफ्ट, तो टाइम अनकाउंटेबल है जिसके साथ नंबर यूज नहीं होगा, क्या यूज होगा, अमाउंट, लार्ज अमाउंट ऑफ टाइम, लार्ज नंबर ऑफ आवर्स, तो टाइम अनकाउंटेबल है और नंबर्स काउंटेबल फ्रेज है, तो नंबर और टाइम मैच नहीं हो रहे, क्लैश हो रहा है, तो यहाँ नंबर नहीं आएगा, यहाँ आएगा अमाउंट, और ये बी पार्ट में एरर है, क्लियर, ओके। नाउ चेक आउट क्वेश्चन नंबर 6, जल्दी से, ही हैज नॉट गॉट मच मनी, सी अब अगर किसी को यहाँ कंफ्यूजन है, मच बेटा जैसे मैंने आपको बताया टाइम के साथ मच लगता है क्योंकि वो अनकाउंटेबल है, वैसे ही मनी के साथ भी मच लगता है क्योंकि वो अनकाउंटेबल है, रुपीस काउंटेबल है, अगर आप रुपीस की बात कर रहे हैं तो वो मनी में यूज होगा, हाउ मेनी रुपीस डू यू हैव, क्योंकि आप काउंट कर सकते हैं, अगर मैं पूछूं हाउ मच मनी डू यू हैव इट विल बी करेक्ट, क्यों करेक्ट है बेटा, पैसों में आपके एसेट्स आ गई, आपकी प्रॉपर्टी आ गई, गोल्ड आ गया, आपका बैंक बैलेंस आ गया, आपकी गाड़ी आ गई, आपकी सेविंग आ गई, एवरीथिंग यू ओन, हर एक चीज जिसके मालिक आप हो उसको हम पैसों में चेंज कर सकते हैं, तो जब भी हम मनी टर्म यूज करते हैं हम यूज करते हैं मच, बट जब हम रुपीस यूज करते हैं जिसको हम काउंट कर सकते हैं हम यूज करते हैं मनी, तो यहाँ पर ये तो ठीक है, he has not got much money, उसके पास बहुत सारा पैसा नहीं है, पर वो फिर भी महंगे, एक्सपेंसिव मतलब महंगे, महंगे कपड़े खरीदता है ताकि अपनी इमेज अप रख सके,
ताकि अपनी इमेज अप रख सके। तो यहाँ पर ये नो एरर सेंटेंस है, इस सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है। ओके, चेकआउट क्वेश्चन नंबर 7 जल्दी से। द अपॉइंटमेंट विल बी मेड इनिशियली। नाउ व्हाट यू मीन बाय इनिशियली? इनिशियली मतलब इन द बिगिनिंग, शुरुआत में। शुरुआत में जब हम बात कर रहे हैं तो हम यूज करते हैं इनिशियल। इनिशियल स्टेज, बिगिनिंग स्टेज। इनिशियल मतलब शुरुआत में। द अपॉइंटमेंट विल बी मेड इनिशियली फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years। अब जल्दी बताइए गलती कहाँ है। 5 years करेक्ट है, ये करेक्ट है, गलत है ये। पीरियड ऑफ 5 years, दिस इज द करेक्ट फ्रेज। पीरियड्स और ईयर्स दोनों साथ में नहीं। ओके, तो एरर इज इन दिस पार्ट। अब आप चाहे 5 years को गलती मान रहे हैं या पीरियड्स को मान रहे हैं, आपने सी आंसर को चूज किया, देन ऑल्सो यू विल गेट द मार्क्स, बिकॉज आपको गलती इंप्रूव तो करनी नहीं है, वर्ड बताना नहीं है आपको, सिर्फ वो ऑप्शन बताना है। लेकिन आपको लॉजिकली पता होना चाहिए क्या गलत क्या सही। तो यहाँ पे पीरियड्स गलत है। ओके, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 8। When Ramesh heard those humiliation words, he became furious. Furious, एकदम गुस्से में, aggressive. First of all, what do you mean by humiliation? अब humiliation और humiliating दो अलग चीजें होती हैं, उनको अच्छे से समझो। Now, what is humiliation और what is humiliating? Humiliation means insult. और ह्यूमिलिएटिंग मींस इंसल्टिंग। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है इंसल्टिंग, ठीक है? ओके, अब इंसल्ट या ह्यूमिलिएशन है नाउन, इंसल्टिंग है एडजेक्टिव। अब मुझे बताइए दोनों का मतलब होता है बेस्ती। ह्यूमिलिएशन मतलब बेस्ती, इंसल्ट। ह्यूमिलिएटिंग मतलब ना एडजेक्टिव, ह्यूमिलिएटिंग वर्ड्स, ह्यूमिलिएटिंग एक्शंस, ह्यूमिलिएटिंग बिहेवियर। तो एडजेक्टिव मैंने आपको बेसिक में भी बताया था, जब भी एडजेक्टिव यूज होता है, एडजेक्टिव हमेशा और हमेशा नाउन के पहले होगा। एडजेक्टिव कहाँ यूज होगा? नाउन के पहले। दोनों का मीनिंग क्लियर हुआ। अब कम बैक टू द क्वेश्चन, एंड व्हाट द क्वेश्चन सेज, व्हेन रमेश हर्ड दोज ह्यूमिलिएशन वर्ड्स। वर्ड्स क्या है? अब देखो, ये सब्जेक्ट, ये वर्ड, अब ये होना चाहिए ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है इसमें वर्ड्स, वर्ड्स ऑब्जेक्ट्स है। ऑब्जेक्ट की जगह पर नाउन आता है, नाउन से पहले आने वाला वर्ड नाउन नहीं होगा, नाउन नहीं होगा। क्या होगा नाउन से पहले आने वाला वर्ड? नाउन से पहले आने वाला वर्ड एडजेक्टिव होगा। तो यहां होना चाहिए ह्यूमिलिएटिंग वर्ड्स, इंसल्टिंग वर्ड्स। क्लियर? ह्यूमिलिएशन नाउन होता है। मैंने आपको फर्स्ट डे जब मेरा बेसिक चल रहा था, मैंने तब भी आपको बताया था जो वर्ड्स टी आई यू एन में एंड होते हैं, स्टेशन बताया था आपको, प्रिपेरेशन, ये सब नाउन होते हैं। तो ह्यूमिलिएशन नाउन है, और एक नाउन के बाद दूसरा नाउन तो नहीं चलेगा। ये नाउन है, उससे पहले आपको एडजेक्टिव चाहिए। क्लियर? ओके, अगर इससे सेंटेंस बनाना है, ही फेस्ड ह्यूमिलिएशन, उसने इंसल्ट फेस की, इसका मतलब होता है इंसल्टिंग। इज इट क्लियर? क्वेश्चन नंबर 8 क्लियर हो गया, जल्दी से चेक आउट क्वेश्चन नंबर 9। और क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? हर मदर टुक अ लॉट ऑफ पेन्स टू प्रिपेयर हर टू फेस द रियलिटीज। उसकी माँ ने बहुत तकलीफें उठाई है यार उसको रियलिटी फेस करने के लिए, एक मैच्योर्ड पर्सन बनाने के लिए। तो क्या आपको इस सेंटेंस में ये गलत लग रहा है? लॉट ऑफ पेन्स, अ लॉट ऑफ पेन्स, क्या गलत लग रहा है ये? हमने किया है कंफ्यूजिंग नाउन में पेन और पेन्स। दिस पेन्स मीन्स तकलीफें, दिस मीन्स मीन्स तकलीफें, एफर्ट्स। तो यहां पर उसकी माँ ने बहुत तकलीफें उठाई हैं उसको बड़ा करने के लिए, उसको समझदार इंसान बनाने के लिए। तो अगेन दिस इज अ नो एरर सेंटेंस।
क्लियर? स्कोर हो रहे हैं मार्क्स? कितने मार्क्स हो गए कल? चलो क्वेश्चन नंबर 10 जल्दी से। वी होप यू आर नॉट फेमिलियर विथ द प्रोसेस ऑफ द रजिस्ट्रेशन। सी, मैंने जो अभी आपको बताया TIUN वाले वर्ड्स नाउन होते हैं। नाउन जो वर्ड्स होते हैं वो या तो सब्जेक्ट की जगह आते हैं या ऑब्जेक्ट की जगह आते हैं। ये ऑब्जेक्ट की जगह है, क्या सेंटेंस में कोई एरर है? वी होप यू आर नॉट फेमिलियर विद द प्रोसेस ऑफ द रजिस्ट्रेशन, दिस इज नो एरर सेंटेंस, कोई एरर नहीं है यहाँ पे। ओके, कम टू द सेंटेंस नंबर 11। द पेन ऑफ राम इज कॉस्टलियर दैन। अब ER लगा है, दैन लगा है, क्या है ये? कंपैरिजन, कंपैरेटिव डिग्री है ये, ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री है ये। द पेन ऑफ राम इज कॉस्टलियर देन सीतास, यहां तक ठीक है। राम का पेन सीता के पेन से महंगा है। जब भी आप किसी भी वर्ड में एपोस्ट्रोफी एस लगा रहे हो, इसका मतलब का या की। दिस इज राहुल्स पेन, ये राहुल का पेन है। द पेन ऑफ राम, राम का पेन सीता के पेन से महंगा है। ओके, बट नॉट कॉस्टली एज योर गर्लफ्रेंड, बट तुम्हारी गर्लफ्रेंड से महंगा नहीं है। किससे महंगा नहीं है? तुम्हारी गर्लफ्रेंड से। तो यहां कंपैरिजन गर्लफ्रेंड का हो रहा है कि पेन का हो रहा है? ऑफ कोर्स पेन का हो रहा है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड थोड़ी महंगी सस्ती बता रहे हैं हम पेन बता रहे हैं। तो गर्लफ्रेंड की जगह होना चाहिए यहां पर बच्चा, गर्ल फ्रेंड्स, मतलब जैसे यहाँ पे सीता के साथ एपोस्ट्रोफी एस लगा है वैसे यहाँ गर्लफ्रेंड के साथ एपोस्ट्रोफी एस लगना चाहिए ताकि कंपैरिजन बैलेंस हो। तो एरर इज इन सी पार्ट। क्लियर है? 11 क्वेश्चन क्लियर हो गए। ओके, लेट्स चेक आउट टू द क्वेश्चन नंबर 12। चेक आउट क्वेश्चन नंबर 12 जल्दी से। ही वाज सरप्राइज्ड व्हेन ही रीड संडेस न्यूज़पेपर अबाउट अ 2 वीक्स हॉलीडे फॉर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट। समझो, वो बहुत शॉक था जब उसने संडे का न्यूज़पेपर पढ़ा अबाउट अ 2 वीक्स हॉलीडे, 2 हफ्तों की छुट्टी। तो ये 2 वीक्स प्लूरल है कि पोजेसिव है? एस तो लगा है, गलती कहाँ है? 2 हफ्तों की छुट्टी, संडे का न्यूज़पेपर जब पढ़ा, हम इसमें एस लगा सकते हैं। टाइम और डिस्टेंस की फ्रेजेस में हम एस लगा सकते हैं, अपोस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं, मैंने आपको बताया था पोजेसिव नाउन बना सकते हैं। पर ये 2 वीक्स हॉलीडे, 2 हफ्तों की छुट्टी, ऐसा होना चाहिए या 2 वीक हॉलीडे, कैसा होना चाहिए? ये तो गलत है, ये पक्की बात है, ये गलत है। करेक्ट इज दिस अबाउट अ 2 वीक हॉलीडे। तो एरर इज इन बी पार्ट। क्लियर? चेक आउट क्वेश्चन नंबर 13 जल्दी से। आई मेट राम सोहन फ्रेंड यस्टरडे व्हाइल आई वाज बाइंग क्लोथ्स फॉर माय सन्स। कल मैं राम से मिला जो सोहन का दोस्त है, जब मैं अपने बेटों के लिए कपड़े खरीद रहा था। यहाँ पे आई मेट राम सोहन फ्रेंड, ये क्या है यार? सोहन फ्रेंड होना क्या चाहिए? सोहन्स फ्रेंड, सोहन का फ्रेंड। क्लियर? तो एरर इज इन ए पार्ट। किस पार्ट में एरर है? ए पार्ट में। डन, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 14। When houses roof collapsed, the members inside it got shelter at neighbor's residence. क्या गलत है? देखो, 2 जगह possessive noun लगा है, यहाँ तो correct है, पड़ोसी के घर। मैंने आपको rule बताया था, we cannot use possessive noun with the non-living things. House non-living thing है, तो उसके साथ possessive noun नहीं लगेगा। क्या होगा? देखो, error तो ये part में है, but correct क्या होगा? Roof of the house, ये होना चाहिए, houses roof wrong है। Clear? मिल गए marks? चलो, sentence number 15. Things will not improve unless you yourself look into it. चीजें नहीं सुधरेंगी अगर तुम खुद उसको handle नहीं करोगे। तो यहाँ पे you yourself correct है। This is reflexive pronoun which you will learn in my upcoming videos in the topic pronoun. तो ये तो correct है, but आप यहाँ देखो, हम बात कर रहे हैं nouns की।
थिंग्स क्या है? थिंग्स प्लूरल सब्जेक्ट है, ठीक है। अब थिंग्स अगर प्लूरल सब्जेक्ट है, लुक इनटू इट, इट किसके लिए लगा है? ये ऑब्जेक्ट इट प्रोनाउन किसके लिए लगा है? इसके लिए। थिंग्स तो प्लूरल है, तो इट तो सिंगुलर के लिए यूज होता है, होना क्या चाहिए? देम। तो एरर इज इन सी पार्ट, ठीक है। ये थिंग्स प्लूरल है ना, तो उसके लिए प्रोनाउन भी तो प्लूरल चाहिए, इट थोड़ी चाहिए। दिमाग में घंटी बजी, कहाँ कहाँ गलत किया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। The higher we climb up, the mountains peak, the cooler we feel. अभी हमने क्वेश्चन किया है नॉन लिविंग थिंग्स के साथ हम कभी भी एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाते। एरर इज इन बी पार्ट, पीक ऑफ द माउंटेन, इट शुड बी लाइक दिस, ऐसा होना चाहिए। ये माउंटेन्स पीक इज द रॉन्ग आंसर, क्लियर। चेक आउट द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। एनीबडी हेल्थ विद डिटोरिएट, डिटोरिएट मीन्स खराब हो जाना, तबीयत बिगड़ जाना, सेहत बिगड़ जाना, ओके। इफ ही इज नॉट केयरफुल अबाउट हिज हेल्थ एंड डाइट, अगर कोई अपने खाने पीने का और सेहत का ध्यान नहीं रख रहा है तो किसी की भी हेल्थ खराब हो जाएगी, ओके। अब सी, किसी की भी, एनीबडी, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? एनीबडीज हेल्थ, किसी की भी, किसी की का आ रहा है, की आ रहा है, तो पोजेसिव नाउन लगेगा, यहाँ नहीं लगा, तो एरर इज इन ए पार्ट, इजी वन। इतना इजी तो पेपर था यार, क्यों परेशान हो गए तुम लोग इतने इजी क्वेश्चन पे, थोड़ा सा दिमाग लगाना था। सीता इज सर्टनली ब्राइटर देन आई, एटलीस्ट इन इंग्लिश, ये क्वेश्चन में बहुत लोगों को डाउट था, दैट्स व्हाई आई एम एक्सप्लेनिंग दिस। सीता क्या है यहाँ पर? सीता है सब्जेक्ट, ठीक है। मैं आपको प्रोनाउन में भी ये चीजें क्लियर करूंगी। आई क्या होता है? आई भी यूज होता है सब्जेक्ट की जगह। एक चीज याद रखना बेटा, सब्जेक्टिव प्रोनाउन और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन दो अलग चीजें होती हैं। आई, वी, ही, शी, दे, ये सब के सब सिर्फ सब्जेक्ट की जगह लेंगे। मी, हिम, हर, देम, अस, ये सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट की जगह लेंगे। ये पार्ट क्लियर हुआ। अब सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट से ही होगा, यहां पर सीता सब्जेक्ट है, सीता का कंपैरिजन सब्जेक्ट से होगा। अगर यहां पे कोई नाम होता, सीता इज सर्टनली ब्राइटर देन रीता, तो वो क्या हो जाता? सब्जेक्ट। अब अगर नाउन को रिप्लेस करना है तो प्रोनाउन यूज होगा, बट याद रखने वाली बात यह है कि नाउन अगर सब्जेक्ट है तो उसको प्रोनाउन भी सब्जेक्टिव प्रोनाउन ही रिप्लेस करेगा, जो प्रोनाउन सब्जेक्ट की जगह आते हैं। सब्जेक्ट की जगह आने के लिए प्रोनाउन को सब्जेक्टिव प्रोनाउन जरूरी है। आई इज सब्जेक्टिव प्रोनाउन, मी इज ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, तो यहां पर रीता मुझसे ब्राइटर है, आई, दिस इज करेक्ट। यहां पे नो एरर सेंटेंस है, ये करेक्ट है, तो यहां पर आई बिल्कुल करेक्ट है, सो दिस इज नो एरर सेंटेंस, मी नहीं आएगा। आप जब प्रोनाउंस पढ़ोगे तो आपको ये रूल एकदम क्लियर हो जाएगा, ओके। नाउ द नेक्स्ट, मोस्ट ऑफ द पीपल ऑफ अवर कंट्री एप्रिशिएट पॉलिटिशियंस एफर्ट टू अपलिफ्ट, अपलिफ्ट मतलब ऊपर उठाना, द कंडीशन ऑफ द पुअर। हमारे देश में बहुत सारे लोग नेताओं के एफर्ट्स, नेताओं के द्वारा किए गए काम, तो एप्रिशिएट तारीफ करना, नेताओं के द्वारा किए गए एफर्ट्स की तारीफ करते हैं। एफर्ट, एप्रिशिएट मतलब प्रेज, किस चीज की प्रेज हो रही है? पॉलिटिशियंस एफर्ट, पॉलिटिशियन के एफर्ट, तो यहां पर एपोस्ट्रोफी नहीं लगा, इसलिए एरर बी पार्ट में है, होना चाहिए पॉलिटिशियंस एफर्ट, पॉलिटिशियन के एफर्ट, ठीक है। 90 नंबर क्लियर हुआ। कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन, सोल्जर नेवर डेमर्स व्हेन ही रिसीव्स हिज कमांडर्स इन चीफ ऑर्डर्स। सबसे पहले तो डेमर्स का मीनिंग समझो, डेमर्स का मीनिंग क्या है? डेमर का मीनिंग है मना करना, हिचकिचाना, झिझकना, मना करना, रेडी टू एक्सेप्ट नहीं होना, क्लियर। तो आप हेजिटेट कर रहे हो ऑर्डर मानने में, तो सोल्जर्स कभी भी
कभी भी अपने चीफ का ऑर्डर मानने में झिझकते नहीं हैं, कभी भी नहीं झिझकते। अब देखो एरर कहाँ है, कमांडर्स इन चीफ, क्या ये सही है? कमांडर इन चीफ का ऑर्डर, कमांडर इन चीफ का ऑर्डर मानने में सोल्जर कभी भी नहीं झिझकते। गलती कहाँ हुई? देखो डेमर का मीनिंग पता लगा, अब कमांडर इन चीफ का मतलब समझो। जब भी हम पोजेसिव नाउन बनाते हैं, कंपाउंड नाउन का मैंने करवाया है आपको, सिस्टर इन लॉ, सिस्टर इन लॉज, ये उसका एपोस्ट्रोफी एस है। कमांडर इन चीफ का, कमांडर इन चीफ्स, कमांडर इन चीफ का ऑर्डर। तो जब हम एपोस्ट्रोफी बना रहे हैं कंपाउंड नाउन को, तो एस कहाँ चाहिए? एंडिंग में। यहां पर एस लगा है तो ये गलत है, आंसर इज सी, इट शुड बी कमांडर इन चीफ्स ऑर्डर। 20 क्वेश्चन हो गए, समझ में आ गया गलती क्या थी? रिमेंबर दिस, नेक्स्ट जो आपका एग्जाम होने वाला है एरर्स ऑफ नाउन का, इसी पैटर्न में होने वाला है, इसी लेवल पे होने वाला है। तो कीप योर माइंड अलर्ट टू अटेम्प्ट एवरी क्वेश्चन करेक्टली। ओके, ऑल दिस फॉर टुडे, जस्ट टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।